Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल CCC by Priya में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल्स की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है लेकिन स्वाद में ये बहुत ही लाजवाब है। हक्का नूडल्स बनाने में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है अक्सर नूडल्स को उबालने में। तो जब आप नूडल्स को बॉईल करते हैं यानी कि उबालते हैं, उस समय आपको दो खास बातों का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपके नूडल्स बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेंगे, उतने ही पतले बनेंगे और एक एक दाना अलग अलग बनेगा। उसके लिए ज़रूरी है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती हैं, दी गई टिप्स पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक जरूर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। हक्का नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब भी आप नूडल्स को बॉईल करते हैं तो ध्यान दीजिए, ठंडे पानी में कभी भी आपको नूडल्स ऐड नहीं करने हैं। जब तक पानी में अच्छा सा बॉईल ना आ जाए, मीन्स खदके ना पड़ने लगे, तब तक आपको नूडल्स ऐड नहीं करने हैं। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है एक स्पून तेल, कोई सा भी आप तेल ले सकते हैं, और साथ में 1 स्पून नमक। उसके बाद जो नूडल्स मेरे पास थे वो नूडल्स मैंने कुछ इस तरह से इसमें ऐड कर दिए हैं। मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज किए थे इसलिए ये कुछ इस तरह के हैं, अदरवाइज़ जो नूडल्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में आते हैं। तो आपको स्ट्रेटली वो नूडल्स कुकर के अंदर या फिर जिस भी बर्तन में आप नूडल्स बॉयल कर रहे हैं उसमें ऐड कर देने हैं। आपको नूडल्स को तोड़ना नहीं है, अदरवाइज नूडल्स उतने लंबे लंबे नहीं बनते हैं। अब आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर उबलने दीजिए और आप देखेंगे 7 to 8 मिनट्स में जो नूडल्स हैं वो परफेक्टली बॉयल हो जाते हैं यानी कि उबल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नूडल्स कुछ इस तरह से बॉयल हो रहे हैं और अब लगभग 7 मिनट हो चुके हैं। 7 से 8 मिनट के बाद आप नूडल्स को निकाल कर देखिए, 2 फिंगर्स के बीच में प्रेस कीजिए। अगर ये इजीली प्रेस हो रहे हैं, इट मींस कि नूडल्स परफेक्टली कुक हो गए हैं। ओवर कुक ना करें, अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो नूडल्स चिपचिपे हो जाएंगे और वो खाने में अच्छे नहीं बनेंगे। अब किसी भी स्ट्रेनर यानी कि छलनी में आप नूडल्स को निकाल लीजिए, 2 से 3 बार ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए। 2 से 3 बार ठंडे पानी से धोने का रीज़न ये है कि इसमें जितना भी स्टार्च होगा वो सब कुछ निकल जाएगा और फिर ये नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 से 2 टीस्पून ऑयल। वेजिटेबल ऑयल है जो अक्सर हम चाउमीन बनाने में, सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं, वही ऑयल आपको यूज़ करना है। ये ऑयल नूडल्स के ऊपर डालने से होगा क्या कि आपके जो नूडल्स हैं ना वो बिल्कुल बाजार के जैसे पतले पतले बनेंगे, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद तेल की वजह से नूडल्स श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं यानी कि सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और बिल्कुल वही टेक्सचर ले लेते हैं जैसे कि बाजार का होता है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि ये आपस में चिपकते भी बिल्कुल नहीं हैं। अब जो भी चीज़ें आपको चाउमीन में ऐड करनी है वो आप यहाँ पर फ्राई कर लीजिए। तो मैंने लिया है 1 स्पून घी, इसको अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है। अब क्योंकि मैं चाउमीन में पनीर के पीसेस भी ऐड करने वाली हूँ, तो पनीर को मैंने आधे घंटे के लिए स्ट्रेनर यानी कि छलनी में रख दिया था ताकि पनीर में जितना भी एक्सेस पानी है वो सब कुछ निकल जाए और पनीर आपका बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आ जाए। उसके बाद कढ़ाई में इसको ऐड कीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कुछ इस तरह से पका लीजिए कि ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। क्योंकि पनीर को जब आप फ्राई करके ऐड करते हैं ना तो इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और ये देखने में तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो पनीर यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गया है, पनीर को निकाल कर मैं अलग रख देती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर सोयाबीन भी ऐड करने वाली हूँ। तो सोयाबीन को मैंने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो वड़ी है वो अच्छे से फूल गई हैं। उसके बाद मैंने इसको 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश किया है, निचोड़ निचोड़ कर, ताकि इसमें जितना भी गंदगी है, गंदा पानी है, वो सब कुछ निकल जाए। और उसके बाद उसी सेम पैन में मैं इस सोयाबीन को भी फ्राई कर लूँगी। 1 चम्मच ऑयल में आप इसको फ्राई कीजिए, बहुत ही परफेक्टली फ्राई हो जाती है। फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और ऑयल मैंने वही यूज़ किया था जो पनीर के तलने के बाद बचा था। तो यहाँ पर आप देखिए सोयाबीन भी बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है, इसको हल्का सा प्रेस करते हुए पका लीजिए और ये जब गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए तो समझिए बिल्कुल परफेक्टली
फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन भी निकाल कर अलग रख ली है। अब चलते हैं हम नूडल्स बनाने के प्रोसेस पर, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही क्विक है। नूडल्स बनाने के लिए मैंने ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑयल यानी कि तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी प्याज, जिसको मैंने कुछ इस फॉर्म में कट किया है। मीन्स आप इसको थोड़ा लच्छे की फॉर्म में कट कीजिए तो चाउमीन के अंदर इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जब प्याज कुछ इस तरह से फ्राई होना स्टार्ट हो जाए उस स्टेज पर आप अगर लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन को भी बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको नूडल्स दिखाती हूँ। ये लगभग आधे से एक घंटे के बाद का वीडियो शूट है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं और बिल्कुल उसी फॉर्म में हैं जैसे कि बाजार वालों के होते हैं। इजंट इट, है ना बिल्कुल वैसे ही। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है ना कि आपको इतनी बढ़िया ट्रिक पता चल गई है कि आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल्स घर में ही बना पाएंगे और बिल्कुल उसी टेक्सचर के। नूडल्स के बाद बारी आती है यहाँ पर प्याज अच्छे से कुक हो रही है और हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। इसी स्टेज पर मैंने यहाँ पर ऐड किया है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। इसको भी मैंने बीज निकाल कर बारीक बारीक कट कर लिया था। अगर आपके पास बंद गोभी है तो आप बंद गोभी को भी बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपनी मनचाही वेजिटेबल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और कुक कर सकते हैं। मेरे पास केवल 2 या 3 ही चीजें थी, उन्हीं से मैंने ये हक्का नूडल्स बनाए हैं और ये बहुत ही बढ़िया बने हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है हक्का नूडल्स मसाला। ये आप किसी भी कंपनी का ब्रांड का यूज कर सकते हैं। इसी स्टेज पर आपको इसे ऐड करना होता है क्योंकि इसी से मेन टेस्ट आता है हक्का नूडल्स का। उसके बाद मैंने ऐड किया है सोयाबीन और पनीर, जिसको हमने शैलो फ्राई करके रखा हुआ था। इसको भी हम एक बार वेजिटेबल्स के साथ कुक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी वही टेक्सचर आना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल वैसा जैसे रेस्टोरेंट का होता है। उसके बाद बारी आती है नूडल्स ऐड करने की। फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो रख दीजिए क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले भी ऐड करने हैं, तो जो नीचे की वेजिटेबल्स हैं वो जल ना जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, आप चाहें तो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कीजिए जैसे कि मैंने ऐड किया है। उसके बाद आपको ऐड करना है 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून विनेगर, उसी के साथ आपको ऐड करनी है रेड चिली सॉस लगभग 3 से 4 टेबल स्पून, अगर आपको थोड़ी चटपटी सी स्पाइसी पसंद है जैसे कि मुझे पसंद है। अदरवाइज आप रेड चिली सॉस थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कीजिए और मिक्स करते के साथ ही आप देखिए कि जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल एक एक अलग अलग हैं और जो वेजिटेबल्स के साथ जब मिक्स हो रहे हैं तो एक तो जो इसकी एरोमा आ रही है, आई जस्ट लव दिस, बहुत ही बढ़िया सी आ रही है और खाने का एकदम मन कर रहा है। एक्चुअली ये बने भी बहुत ही टेस्टी हैं क्योंकि इतना आसान था इनको बनाना, बस छोटी छोटी सी टिप्स आपको फॉलो करनी थी। अगर आप वही सब टिप्स फॉलो करते हैं और इसको इस तरह से बनाते हैं तो यकीन मानिए आप घर में बिल्कुल वही रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल्स बना पाएंगे, इट्स माई गारंटी। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम हाई करके इसको कम से कम 5 मिनट तक इस तरह से कुक किया है। नूडल्स ऐड करने के बाद 5 मिनट हाई फ्लेम पर ज़रूर कुक कीजिए, तभी इसका मेन फ्लेवर आ पाता है। तो यहाँ पर नूडल्स बनकर हैं बिल्कुल तैयार। अब बारी आती है इसको सर्व करने की। तो आप इसको टोमेटो केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसको अलग से कोई भी सॉस की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसका अपना ही फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आशा करती हूँ जो आज टिप्स मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस तरह की और भी अमेजिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड नमस्ते इंडिया।